अभी रेजोल्यूशन अपने बढ़ा दिया, इसको ताम ताम चकाचौंध कर दिया है, सडनली पेंट वेंट कर दिया है, तो वो एक अपर हाई सोसाइटी का एक लुक देने लगा, वो एक पूरा मर गया जो पूरा था। जैसे मैंने बताया कि मेरे को खुद दिखने लगा कि मैं लौट के आई कि कुछ एक्टर्स यू नो स्टार बन रहे हैं। सोशल मीडिया में देखें, एक लगातार सवाल उठता रहता है कि पुराने एपिसोड्स अच्छे थे भाई, पुराने एपिसोड्स अच्छे थे, रेजोल्यूशन कम था लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी थी, अब सेट बड़े हो गए हैं, रेजोल्यूशन एकदम एचडी हो गया है, लेकिन अब वैसी कॉमेडी नहीं है, शो को जबरदस्ती खींचा जा रहा है, तो मैम ये जो डाउनफॉल आया इसका क्या रीजन था? मुझे वही था, बट लेकिन आज के डेट में लोग यूट्यूब पर पुराने एपिसोड देखना पसंद कर रहे हैं रादर देन वो 8:30 बजे टीवी देखें। मुझे जो लगता है इस चीज का, देखिए एक तो पहले तो जैसे आपने बोला रेजोल्यूशन अच्छा नहीं था, तो वो रीजन भी एक बहुत बड़ा था, बिकॉज दैट इज वेरी रिलेटेबल कि दिस इज मीडियम मिडिल क्लास सोसाइटी। अभी रेजोल्यूशन आपने बढ़ा दिया, इसको ताम ताम चकाचौंध कर दिया है, सडनली पेंट वेंट कर दिया है, तो वो एक अपर हाई सोसाइटी का एक लुक देने लगा, वो एक पूरा मर गया जो पूरा था। मैं जब फर्स्ट 5 years थी तो हम सारे आर्टिस्ट, ऑल ऑफ अस 27-25 जितने भी थे उस टाइम पे, हम साथ में बैठ के रीडिंग करते थे एवरी सिंगल डे। जो भी सीन्स आता था हम साथ में बैठ के पूरे जन रीडिंग करते थे जब कॉम्बिनेशन होता था, एंड अपना अपना डायलॉग यू नो करते थे, इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा करते थे कि मैंने बोला, जैसे अगर जैसे भी समझ लो सोडी का कोई डायलॉग है तो मैं कैसे बोलूंगी, मेरे बाद समझ लो माधवी का, माधवी के बाद ऐसे ना ऐसे, तो वो बनते जाता था। ठीक है, हम अपना इनपुट भी देते थे कि अगर मैं बोलूंगी तो उस चीज को किस तरीके से बोलूंगी तो उससे सोडी को कोई आइडिया आएगा, सोडी ने जिस तरीके से बोला तो उसको यू नो भिड़े को कोई आइडिया आएगा, ऐसा। तो वो अपना एक इनपुट जो था ना, अपना पर्सनल टच था, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। ऑफ कोर्स न्यू था, न्यू स्टोरी थी, सबकी न्यू एनर्जी थी, सब बहुत डाउन टू अर्थ थे। जैसे मैंने बताया कि मेरे को खुद दिखने लगा कि मैं लौट के आई कि कुछ एक्टर्स यू नो स्टार बन रहे हैं, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यार मतलब ये तो आई नेवर एक्सपेक्टेड यू नो दीज पीपल। और क्योंकि मैं 3 साल नहीं थी तो आई वॉज हैविंग एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आई वांटेड टू कम बैक इन तारक मेहता, कि यार अभी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लोग मुझे रस्ते में पागल करते थे, आप सीरियल में क्यों नहीं हो, हमने सीरियल देखना छोड़ दिया, आपके बिना मजा नहीं आता, मतलब ट्रस्ट मी, 2 बार तो मुझे जो दो जन ने बोला है मैं रो पड़ी हूँ, मतलब कि 4 महीने की मेरी बच्ची मेरे हस्बैंड की गोदी में थी, मैं ऐसे थोड़ा आगे जा रही थी, एक लेडी आई, उन्होंने मुझे जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, आप तारक मेहता क्यों नहीं हो, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते, आपको हमारी पड़ी नहीं है, फलाना ढिकाना। मैंने कहा एक मिनट, मेरी 4 महीने की बच्ची है, हाँ तो 4 महीने की हो गई तो अभी वापस आ जाओ। तो एक वो मुझे याद है, और दूसरा भगवान, मुझे याद है कि मैं यही पवई में एक जगह गई थी और एक 75-80 साल के अंकल आंटी थे, वो दोनों ने आके मेरे पैर पड़े और उन्होंने मुझे बोला आप सीरियल में नहीं हो, हमको अच्छा नहीं लगता है, आप वापस आ जाओ। मैंने रो के मैंने उनके पैर पड़े, मैंने कहा अंकल आंटी मेरे को पाप में मत डालिए, दिस इज द थिंग। फिर मुझे लगा जेनी व्हाट आर यू मिसिंग इन लाइफ, वाज दैट द बिगेस्ट थिंग, यू हैव टू गो बैक यू नो, ऐसा करके फिर मैंने यू नो व्हेन दैट हैपेंड के दिलखुश लेफ्ट एंड में वापस आई, तो वो जो था ना वो सबका जो रीडिंग थी और सबका प्यार और सबका एक फ्रेश एनर्जी थी, व्हेन आई केम बैक रीडिंग वाज टोटली फिनिश्ड। रीडिंग सिर्फ बंद दरवाजे में मेल एक्टर्स के बीच में होती थी, हम लोग बोल बोल के थक गए, भैया हम लोग को भी रखो, हम भी कैरेक्टर्स हैं, हम भी एक्टिंग ही करने आए हैं, तो कभी होती थी रीडिंग कभी नहीं होती थी, ये सब रीजंस हैं। और ऑफ कोर्स फिर उनके पास भी कितनी स्टोरी होगी ना, यू नो वही चीज मोनोटोन वही डायलॉग। और मेन मुझे सबसे बड़ा रीजन जो लगता है इस चीज का, आसिफ जी डजंट वांट टू चेंज इन द सेंस डजंट वांट एनीथिंग ऑन द शो टू चेंज। उनको ये है कि अगर रोशन तद्दन घेलो छे घेलो बोल रही है, अब वो जिंदगी भर वही बोलेगी, रोशन अगर हाउसवाइफ है अब वो जिंदगी भर हाउसवाइफ रहेगी। मैंने उनको कितनी बार बोला, मैंने कहा सर जैसे शुरू में मेरा डिसाइडेड था कि मेरा मैरिज ब्यूरो रहेगा एंड आई विल गेट यू नो रोशन का एक मैरिज कराएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पोपटलाल कैरेक्टर उन्होंने मेरा मैरिज ब्यूरो को टालते गए। मैंने उनको कम से कम नहीं तो 50 बार बोला, मैंने कहा सर मेरा मैरिज ब्यूरो का, तो बोले नहीं अभी वो करेंगे तो फिर पोपटलाल का कैसे होगा, उस चक्कर में मेरा वो हो गया। मैंने बोला चलो वो छोड़ो, मैंने कहा मैं कुछ ऐसा कुछ आप मेरे को दिखा दो, मैं हाउसवाइफ हूँ यू नो और रंगोली करती हूँ, रंगोली पारसीज में रंगोली बहुत करते हैं हम, उसको चौक बोलते हैं, ऐसा कुछ करती हूँ घर घर जाके। मैंने कहा मैं कुछ गार्डनिंग कर रही हूँ ना, कुछ समथिंग अदर थिंग आई कैन। नहीं, रोशन का कैरेक्टर उतना ही है,
मतलब वो जो मैं कर रही हूँ डे वन से ही वांटेड मी टू डू टिल नाउ, उसके अलावा उनको चेंज ही नहीं करना है. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट. नहीं ये इतना ही करेगी, ये सोडी को इतना ही बोलेगी, तो वहां जो एक मोनोटोनस जो हो गया ना वहां चीजें गड़बड़ हो गई. मैम डिफिकल्ट भी है एक फीमेल के लिए उस टीवी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना, काम करना. स्पेशली जो न्यू कमर्स आपको सुनेंगे जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बट स्ट्रगल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, डिफिकल्ट है उनके लिए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. पहले तो मैं बोलूँ कि मैंने मेरी लाइफ कभी भी प्लान नहीं की. आई नेवर प्लान टू बी एन एक्ट्रेस. आई एम जस्ट एक्ट्रेस बाय लक, यू नो. माय हस्बैंड आस्क्ड मी टू कम, यू नो, कि तुम कुछ करती नहीं आफ्टर मैरिज, एंड ऐसा मेरा फोटो आया. देन आई केम टू मुंबई इन 2004. आई वाज ऑलरेडी मैरिड देन. तो मैं जब भी जाती थी कहीं ऑडिशंस के लिए, कहीं सीरियल के लिए, कुछ एड के लिए, फिल्म के लिए, तो मैं हमेशा बोलती थी कि आई एम मैरिड. मुझे याद है कम से कम मुझे 15 जन ने बोला होगा टोटल उस 3-4 साल में, ऐसा मत बताया करो तुम मैरिड हो, कभी काम नहीं मिलेगा. मैंने कहा ठीक है नहीं मिले भाई, मैं घर पे बैठूंगी, चलेगा मेरे को. आप मैरिड हो ये बताओ तो काम नहीं मिलेगा. हाँ ये मुझे मुझे कम से कम 15 अलग अलग लोगों ने बड़े 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 फिल्म प्रोडक्शन हाउस में बोला गया है मुझे कि काम नहीं मिलेगा. मैंने कहा ठीक है दैट्स ओके. मुझे याद है एक मुझे एक दूरदर्शन का एक सीरियल मिला था, उसमें 3 बहनें थी जिसमें मेरा सबसे बड़ा रोल था. एंड वो लेडी ने मेरे को जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू था उन्होंने मुझे फोन करके बोला आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका मैं आपको बात कर रही हूँ 2005 या 2006 की. तो बोले आपका मेन रोल है, सबसे बड़ी बहू है फलाना ठिकाना और समथिंग आपका 2000 रुपीज पर डे होगा ऐसा कुछ. 2000 वाज अ बिग थिंग टू स्टार्ट विद दैट टाइम. तो मैंने कहा ओके, तो बस और कुछ नहीं है, बस प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा सा कभी कॉफी चाय पे चले जाना और खाना खा लेना. मैंने कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बोले नहीं बेटा तू ऐसा करेगी ना तो तू जिंदगी भर दाल रोटी खाएगी. मैंने कहा मुझे दाल रोटी ही पसंद है आंटी, मुझे और कुछ नहीं पसंद है, करके कैप द फोन. सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैरी योर सेल्फ. ठीक है मुझे भी इवन और इंडस्ट्री में और ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, द वे यू पोर्ट्रे ऐसे ही आपको वहां पर उस तरीके से लिया जाएगा. तो इवन इन तारक मेहता मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ टिल 2019. मतलब आसिफ जी अब समझ में आता है वो चांस जरूर लेते थे बिकॉज आई एम वेरी सी व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ इज कि मैं पारसी. उनको वो शुरू से मुझे बोलते थे कि पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे बोला था तुम पारसी हो, तुम तो ड्रिंक करती होगी. तो मैंने कहा हाँ. तो बोले क्या पीते हो? मैंने कहा विस्की. तो खूब हंसे थे अरे तुम तो कितनी बिंदास हो यार, तुम तो विस्की बोलती हो. तो मुझे लगा उसमें क्या है, मतलब ओके आई हैव सीन, मतलब मेरे लिए ओके है क्योंकि मैंने बचपन से मेरे मतलब फंक्शंस में देखा है एंड वंस ट्वाइस अ ईयर यू नो हमारे यहाँ फंक्शंस में होता है, दैट्स वेरी कॉमन. तो वो तब से मुझे बार बार बोलते थे कि आ जाओ कभी विस्की पीते, आ जाओ विस्की पीते. मतलब उनके ऐसे अब इंटेंशन ऐसे नहीं जाहिर होते थे. फिर कभी कभी वो मुझे बोलने लगे कि जैसे कभी ऐसे यू नो ऐसे निकलते तो हंसते हुए बड़ी क्यूट लगती हो ऐसे करके वो मेरा गाल खींचते थे. अब पहले नहीं लगता था मुझे कभी उनका ऐसा इंटेंशन कि मैं भी उनको इनोसेंटली लेती थी. लेकिन फिर कुछ टाइम में कुछ चीजें ऐसी हुई कि उनके बारे में भी कुछ चीजें ऐसे पता चलने लगी. सेट पे कोई किसी से कुछ नहीं छुपा रहता है, कुछ चीजें ऐसे पता चलने लगी तो मैं थोड़ा कट ऑफ ही रहने लगी. और फिर मेरा वो थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट वाला चालू रहता था कोई चीज के लिए, क्योंकि फिर मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती थी. मुझे याद है वैनिटी के लिए कुछ इश्यू था, तो वैनिटी में हमारे ऊपर हम लेटे हमारे ऊपर कॉकरोचेस चलते थे. सबसे गंदी गंदी से गंदी वैनिटी हमको मिलती थी लेडीज को हाँ जेंट्स को नहीं. तो उसमें हम लोग ऊपर कॉकरोच चल रहे हैं. तो मैंने आसिफ जी को बोला था तो बहुत भड़क गए थे मुझे. तो मैंने सर हम कैसे खाए, खाना रखा है हमारा कॉकरोच चल रहे हैं अभी ये. तो वहां उनको बहुत प्रॉब्लम होता था. तो मुझे समझ में आया कि वो ना धीरे धीरे मेरे से एक थोड़ा कट ऑफ होने लगे. लेटर व्हेन आई केम बैक इन तारक मेहता दैट टाइम, तो फिर मैं पहले शुरुआत में तो इनिशियली इट टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड सडनली सब चीजें चेंज हो गई थी. आसिफ जी वॉज थोड़ा कट ऑफ थे वो मेरे साथ एंड और किसी ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया. लेकिन जब मैं सिंगापुर गई तो मुझे लगता उस जगह पे उनको ऐसा लगा होगा कि अभी तो ये यू नो पारसी लड़की है और प्रैंक है और
आउट ऑफ इंडिया है, जो भी उनको लगा हुआ, I don't know. That's what is my assumption. तो उन्होंने मुझे वो सब चीजें बोली कि मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और तुम रूम को रूम में क्या करती हो, तुम्हारी रूम पार्टनर तो बाहर चले जाती है, अकेले रहती हो ना, आ जाया करो. ये सब मुझे जब तो जब उन्होंने वो बोला कि तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर हैं और ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं, वो दिन मैं हिल गई कि यार ये आदमी इज नॉट ट्रस्टवर्दी. यू नेवर नो, अगर मेरे रात को आ जाएंगे मेरे रूम में, मैं क्या कर लूंगी, मेरी रूम पार्टनर भी नहीं रहती. तो दैट टाइम आई शेयर्ड विद थ्री ऑफ माई कलीग्स, जिसमें से एक ने कुछ नहीं किया, एक ने यू नो मजाक मजाक में मस्ती मस्ती में थोड़ा मैनिपुलेटिव होके डिप्लोमेटिक होके, क्योंकि ही इज ऑल्सो वर्किंग देयर, तो ऐसे बार बार इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके वो खड़े हो जाते थे. और एक जन ने उन आसिफ जी को बहुत चिल्लाया कि क्या बोल रहे हो उसको बार बार रूम में आ जाना, बिस्की पीना, क्या फालतू बकवास करो, क्योंकि वो जिस तरीके से है वो ब्लंट है. तो उसने बोला, इस चीज का नतीजा ये हुआ कि आसिफ जी मेरे से टोटल कट ऑफ हो गए. अब वो मुझे देख के सिर्फ चिल्लाते थे, सिर्फ टॉन्ट मारते थे, सिर्फ उल्टा सीधा बोलते थे. मैंने was in when we came back to India, हमेशा चाय पी रही, चाय क्यों पी रही हो, इतनी चाय नहीं पीते, काले हो जाते हैं, धूप में क्यों खड़ी हो, यहाँ खड़े हो, वहाँ पानी गिरेगा, उधर आओ, किताब क्यों पढ़ रही हो, किताब नहीं पढ़ने का, सेट पे क्या हो गया, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज अ प्रॉब्लम इन मी. तो इसके अलावा एज सच मुझे जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है, आप जैसे पोर्ट्रे करोगे आपको वैसे ही लिया जाएगा. एंड जो लोग हमेशा जो बोलते हैं कि हमको कि इन्फ्लुएंस से काम होता है, या यू नो, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती, मेरा तो जीरो इन्फ्लुएंस था. मैं तो बोल रही हूँ ना, मैंने तो सिर्फ भगवान को बोला था कि भाई एक इंसिडेंट एक चीज में शेयर करना चाहूंगी. तो 7th मार्च वॉज माई बुआ रोशन की डेथ एनिवर्सरी ऑल्सो इन 1993, एंड एग्जैक्ट 15 साल बाद 7th मार्च 2008 को, I was praying to her, she was my idol, के रोशन फोई मैंने 4.5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना कुछ अच्छा नहीं मिला, आई वॉन्ट समथिंग के जिसको लोग बहुत प्यार करें, बहुत इज्जत दें, मेन इज्जत दें और प्यार करें और खुश रहें. मैं बहुत हैक्टिक भी नहीं हूँ, मेरा शूट यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट थोड़ा सा ऐसा. तो उन्होंने मुझे उसी दिन मुझे फिर तारक मेहता से फोन आया. That can't be coincidence के my name was Roshan in that. तो उनकी blessing ही थी. तो यही है कि देखो, मेरा ये कहना है कि आपके अगर intention सही हो, आप मेहनत करते रहो, और तो आपका luck ऐसे आप हो जाएगा. ऊपर वाला आपकी नियत देखता है. That's it. अभी भी ये जो मैंने किया है, मेरा करने का कुछ नहीं था कि मैं करूँगी. This is the thing which universe forced me, but my intentions are pure. That's why I started, you know, I had to do this whole thing, and because my intention are pure, I can assure that I will win, no matter what, I will win.